अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो रिव्यू फॉर pathwheel.com, पाकिस्तान की नंबर वन मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स, बाइक्स एंड ऑटो पार्ट्स। आज जिस बाइक का रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये है बेनेली का TNT 600i। इस बाइक और कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर लें तो बेनेली जो है इटालियन ब्रांड है और 1912 से ये बाइक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इनकी बाइक जो है अब चाइना में क्यूजे कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, और लेकिन इस बाइक की जो सस्पेंशन, इंजन के कुछ कंपोनेंट्स और वायरिंग जो है वो स्टिल ओन बाय बेनेली इटली, और यही वजह है कि इन बाइक की जो क्वालिटी है आज भी ऐसी है जैसे ये इटली में मैन्युफैक्चर हो गए हैं। पाकिस्तान में बुराक ऑटोमोबाइल ने बेनेली की बाइक इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और इनिशियली इन्होंने तीन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए थे जिसमें 250 cc, 300 cc और ये 600 cc बाइक है। इसके अलावा दो और नए मॉडल ये बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जो 150 cc और 500 cc कैटेगरी का है। ये जो बाइक है ये पूरी दुनिया में दो नामों से लॉन्च किया गया है, एक BN600 और एक TNT 600। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में BN600 के नाम से जा रहा है और बाकी कंट्रीज़ में TNT 600 के नाम से जाता है। BN और TNT के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो उसकी ग्राफिक और कलर टोन में है। TNT 600 जो है ये सिंगल टोन में आता है। सिंगल टोन मीन्स के इसकी मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड, टैंक और जो टेल है ये एक ही कलर में आते हैं, और जो BN 600 है उसमें फ्रंट मडगार्ड और जो टैंक है वो येलो कलर का होगा और जो टेल है वो ब्लैक कम्बिनेशन में आती है। ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड पाकिस्तान में BN 600 जो है वो इम्पोर्ट की जाएगी और TNT जो है ये इम्पोर्ट नहीं होगी। इस बाइक की जो प्राइस है वो 11,50,000 इसकी बुकिंग प्राइस है, और ये आपको तकरीबन बुकिंग के बाद तकरीबन 60 डेज़ के अंदर मिल जाता है, और अगर आप इसको ओन पे लेना चाहें तो 12,00,000 में ये आपको बाइक अवेलेबल है। अगर ये बाइक क्योंकि नेकेड और नेकेड स्टाइल का है, तो अगर नेकेड स्टाइल में इसकी कंपटीशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च बाइक तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें कावासाकी Z600 है और सुजुकी GSX 600 है। इस बाइक की अगर इंजन की बात करें तो इसके जो इंजन की डिस्प्लेसमेंट है वो 600 cc है, और इसका जो इंजन है वो इन लाइन 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक DOSC डुअल ओवरहेड कैम विद लिक्विड कूल इसका इंजन है। लिक्विड कूल में अगर हम बात करें तो उसका जो रेडिएटर है उसकी पोजीशन फ्रंट पे दी गई है, और फ्रंट पे इंजन के बिल्कुल सामने इसकी इसका जो रेडिएटर है इंस्टॉल किया गया है। उससे उसका फ़ायदा ये होता है कि रेडिएटर के लिए सबसे सेफ़ प्लेस यही है, और ज़्यादातर कंपनीज़ यही वजह है कि रेडिएटर यहीं पर इंस्टॉल करते हैं। इसमें आपकी अगर बाइक खुदा ना खासा गिरती है तो रेडिएटर को नुकसान नहीं पहुँचता। उसके अलावा जो डुअल रेडिएटर में बाइक्स आती हैं वो साइड पे उनके रेडिएटर इंस्टॉल होते हैं, और उसमें नुकसान ही होता है कि अगर बाइक खुदा ना खास्ता गिरे तो रेडिएटर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इस बाइक की अगर गियर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो 6 गियर ट्रांसमिशन इसका गेयरबॉक्स है, और फर्स्ट गियर जो है वो नीचे की तरफ लगता है, बाकी 5 गियर जो है वो रिटर्न में लगते हैं ऊपर की तरफ। ये बाइक 83.9 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 11,500 rpm पे, और 54.6 Nm टॉर्क ये 10,500 rpm पे बनाता है। इस बाइक की अगर वेट की बात की जाए तो 208 kg इसका ड्राई वेट है, और जो टॉप स्पीड देने की सलाहियत ये बाइक रखता है वो 230 km/h है। ओवरऑल लुक अगर इसकी देखी जाए तो मुझे ये बाइक बहुत पसंद है, और मुझे नेकेड स्टाइल के बाइक पसंद भी हैं। मैं खुद TNT 25 मेरे पास है। अगर इस बाइक के पार्ट्स की बात की जाए तो जितने भी प्लास्टिक के पार्ट्स इस बाइक में यूज़ किए गए हैं, चाहे वो फ्रंट मड गार्ड है, हेडलाइट है, और या साइड एयर स्कूप आप कह लें, या जो इसकी टेल है, बहुत ही हार्ड और अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। और अगर कलर की बात करें तो इसका कलर क्वालिटी आउट क्लास है। जितनी भी दूसरी बाइक चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो किसी भी लिहाज से इसकी क्वालिटी के आसपास भी नहीं आती। जो कलर अवेलेबल है आपको इस बाइक में वो येलो विद ब्लैक, वाइट विद ब्लैक, प्योर ब्लैक और ग्रीन विद ब्लैक कम्बिनेशन में अवेलेबल हैं। इस बाइक की अगर सीट हाइट की बात करें तो 800 mm इसकी सीट हाइट है, और अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि अच्छी खासी क्लियरेंस है। आप पाकिस्तान में जिस किस्म की मर्जी रोड पे ले जाएं, ये बाइक नीचे से लगने वाला नहीं। इस बाइक की अगर ब्रेक सिस्टम की बात करें तो फ्रंट पर आपको 320 mm के डुअल डिस्क अवेलेबल है विद 4 piston caliper, और रियर पर आपको सिंगल डिस्क विद डुअल पिस्टन कैलीपर अवेलेबल है। दोनों फ्रंट एंड रियर जो हैं ये ABS ऑप्शन के साथ आती हैं, जो आप मैन्युअली ऑन ऑफ भी इसको कर सकते हैं। इस बाइक के फ्यूल टैंक की बात करें तो 15 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, और तकरीबन 3 लीटर इसके रिजर्व में रहता है।
इसके अलावा अगर इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो इसका एग्जॉस्ट जो है आपको सीट के नीचे दिया गया है और डुअल एग्जॉस्ट है, और इसका साउंड आपको वीडियो के एंड पे सुनाएंगे। अगर इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो जो आरपीएम मीटर है वो आपको एनालॉग दिया गया है, और इसके अलावा स्पीडोमीटर डिजिटल है जिसको आप माइल्स और किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। फ्यूल गेज आपको मौजूद है। इंजन का टेम्परेचर जो है वो आपको डिजिट में ये बाइक बताता है, किसी जो इससे पिछली दो बाइक थे 300 सीसी और 250 सीसी उसमें वो आपको बार के ज़रिए बताता, लेकिन इसमें ये आपको डिजिट के ज़रिए बताता है। इसके अलावा आपको क्लॉक की ऑप्शन मौजूद है और माइलेज की ऑप्शन आपको मिल जाती है। लेफ्ट साइड पर आपको न्यूट्रल की लाइट, इंजन ऑयल की लाइट मिल जाती है और ABS की लाइट भी आपको मिल जाती है। अगर इस बाइक की राइट साइड की ग्रिप की बात करें तो उसमें आपको इंजन किल स्विच की ऑप्शन मौजूद है, हैजर्ड लाइट की ऑप्शन मौजूद है और सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मौजूद है। लेफ्ट साइड पे आपको ऊपर की तरफ डिपर की ऑप्शन मिल जाती है, इसकी हेडलाइट लो और हाई बीम करने की ऑप्शन मौजूद है, इंडिकेटर और हॉर्न की ऑप्शन मौजूद है। इसकी जो दोनों ग्रिप्स हैं ये फिलहाल चेंज है, आफ्टर मार्केट है, लेकिन ये भी बनैली की ही लगी हुई हैं इसमें, और ये आपको बुराक ऑटोमोबाइल से मिल भी जाती हैं। इस बाइक की अगर लाइट की बात करें तो इस बाइक में डे टाइम रनिंग लाइट के साथ ये बाइक आता है, दो पार्किंग लाइट और दो मेन हेलोजिन बल्ब इसके अंदर दिए गए हैं आपको। इस बाइक के जो इंडिकेटर हैं ये इंडिकेटर आपको LED इसमें दी गई है, और तकरीबन 9 LEDs पर इंडिकेटर आपको इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा इसकी जो टेल लाइट है उसमें भी LED यूज़ की गई हैं। अगर इस बाइक की सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट पे 50 mm के अपसाइड डाउन फोक्स दिए गए हैं जो नॉन एडजस्टेबल हैं, और रियर पे आपको साइड माउंटेड मोनोशॉक दिया गया है जो टू वे एडजस्टेबल है। यहाँ से आप इसकी स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं, और इधर से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपकी सीट हाइट जो है एडजस्ट हो जाती है। इस बाइक की अगर राइडिंग पोजीशन और कंफर्ट की बात करें तो इसकी जो सीट है वो वेल कुशन्ड है, और पिलियन सीट भी वेल कुशन्ड है, पर राइडर सीट ज़रा चोरी है और पिलियन थोड़ी सी कम चोरी है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल आपको राइडर सीट मिलती है इसके अंदर। पोजीशन क्योंकि नेकेड स्टाइल का बाइक है तो आपको स्टेट मिलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर आप स्ट्रीट लॉन्ग रूट भी सफ़र कर सकते हैं 4 से 5 घंटे का, ये बाइक आपको इतना ज़्यादा थकाएगी नहीं। अगर इस बाइक के टायर की बात करें तो 17 इंचिस के अलॉय व्हील्स के साथ आपको प्रेली कंपनी के रियर पे 180x55 और फ्रंट पे 120x70 के टायर मौजूद हैं। अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस बाइक में क्रैश गार्ड लगने की भी जगह मौजूद है, और यहाँ पे क्रैश गार्ड इंस्टॉल भी हैं। इस बाइक की थोड़ी सी सर्विस और इसकी जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लें तो सर्विस सेंटर इसका मौजूद है, बुराक पे आप आके इस बाइक की सर्विस करवा सकते हैं, पार्ट्स इसके मौजूद हैं, और जो पार्ट अवेलेबल नहीं भी होते वो आपको विद इन 1 मंथ या विद इन 45 डेज अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। इसकी अगर इंजन ऑयल की बात करें तो तकरीबन 2.8 लीटर इसके अंदर इंजन ऑयल डलता है, जिसकी कॉस्ट आपको 1500 आती है, और वो आपको 1000 के बाद चेंज करवाना पड़ता है, और ऑयल फिल्टर जो है वो आपको 2000 के बाद चेंज करवाना पड़ता है, और उसकी कॉस्ट भी 1500 रुपये ही है। इस बाइक की अगर ब्रेक शू की बात की जाए तो पर पेयर आपको तकरीबन 10 से 12,000 इसकी कॉस्ट आती है। अब आपको इस बाइक का 0 से 100 करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, आपके जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और अगर किसी स्पेसिफिक बाइक का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो हमें बताइए। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर ये बाइक या कोई भी और बाइक लेने का जहन बन जाए तो पार्क व्हील के यूज़ बाइक सेक्शन को आप इस ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको कहा था कि रिव्यू के एंड पर आपको इसका साउंड सुनाएंगे, तो इसका साउंड स्टोरी की टीम।